हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में लगी झमाझम बारिश। निचले हिमाचल में काफी दिनों के बाद बरसात होने के कारण स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। तेज और ठंडी हवाओं से क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। स्थानीय लोग और श्रद्धालु अंगीठी सेकने पर मजबूर। बरसात और ठंड के चलते भारी प्रदेशों से आए श्रद्धालु ठंड से ठिठुरते नजर आए। वहीं पर इस बरसात से स्थानीय लोगों और किसानों ने राहत की सांस ली। काफी लंबे अरसे से इस बात का इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार आज खूब मेघ बरसे। किसानों का कहना है कि अब गेहूं की फसल के लिए यह बरसात वरदान साबित होगी। हालांकि क्षेत्र में ठंड पड़ने के कारण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी नजर आ रही है और मौसम अभी एक दो दिन ऐसा ही रहने वाला है, जिसके चलते बाजार में भी मंदी छाई रहेगी। लेकिन लंबे अरसे के बाद बरसात होने के कारण लोगों में खुशी नजर आ रही है। आज काफ़ी दिनों के पश्चात माँ भगवती श्री नैना देवी जी के दरबार में बरसात के कारण जो मौसम है बहुत ही सुहावना हुआ है। जो हमारे नज़दीक के गांव के लोग हैं उन्हें भी इस बारिश की बड़ी ज़रूरत थी फसलों के लिए। अब रात से ही ये बारिश हो रही है, ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो माँ भगवती श्री नैना देवी जी सभी पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी। बारिश पड़ी है, बहुत मज़ा आया। माता सब मनोकामना पूरी करे, झोलियाँ भोलियाँ रखे, कृपा करी रखे, महाराज तंदुरुस्ती रखे। शेरा वाली का बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब पे।